अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। हुकूमत और तालिबान चुरा में दो तरफा कैदियों की रिहाई और जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक। हुकूमती कमेटी वजीर दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। सरहदी मुहाफिज का कत्ल, तेहरान में पाकिस्तानी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। ईरान का बॉर्डर गार्ड्स की सिक्योरिटी के लिए इकदाम करने का मुतालबा। कराची में सुरजानी टाउन में रिक्शे से बड़ी मकदार में बम बनाने का सामान बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। निशानदही पर फैक्ट्री में छापा, एक मुलजिम धर दिया गया। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल और एके एंथनी को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। हाफिज सईद कहते हैं कि लगता है भारत में इलेक्शन ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा जा रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जेलों का निजाम कंप्यूटराइज करने की मंजूरी दे दी, 2,42,00,000 रूपये जारी। सर्दी की शिद्दत कम होते ही डेंगू ने सर उठा लिया, लाहौर के मेयो अस्पताल में 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। और जर्मन आर्टिस्ट की कमाल महारत, दरख्त पर फनकारी ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया।